बिहार में बाढ़ का संकट और आपदा की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। नीतीश कुमार आज बाढ़ आपदा और ओलावृष्टि से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मौजूदा स्थिति को लेकर फीडबैक लेंगे। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डीएम भी जुड़ेंगे। सीएम नीतीश बाढ़ से पैदा हुई स्थिति को लेकर जिलों से सीधे फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ ओलावृष्टि के बाद किसानों को किस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकारी लेंगे। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक केंद्रीय टीम के बिहार दौरे के ठीक बाद हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम राज्य के दौरे पर आई थी। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम मंगलवार को वापस लौट गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत आपदा से जुड़े कई विभागों के प्रमुखों के साथ टीम ने मंगलवार को बैठक की थी। जानकारी मिली है कि बिहार सरकार ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति को लेकर केंद्र सरकार के सामने 3763 करोड़ रुपए की मांग रखी है। केंद्रीय टीम को इस बाबत पूरी डिटेल सौंप दी गई है। सोमवार को बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने अलग अलग इलाकों का जायजा लिया था। बिहार में 26 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसे लेकर केंद्रीय टीम ने सर्वे किया। गौरतलब हो कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने अलग अलग जिलों का दौरा किया था। गौरतलब हो कि केंद्रीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को बिहार पहुंची थी। टीम ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के हालात को देखा और सर्वेक्षण किया था। बता दें कि बिहार में बाढ़ ने 26 जिलों में तबाही मचाई है। बिहार सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3763 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। सहायता की ये मांग नुकसान के प्रारंभिक आकलन के आधार पर की गई है। बरसात का मौसम अभी 20 दिन बाकी है खत्म होने में, लिहाजा मांग की गई राशि अभी और बढ़ सकती है।